देखिए, श्रद्धा मर्डर केस की जांच का सिरा दिल्ली के त्रिलोकपुरी पहुंच चुका है और जून के महीने में पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके त्रिलोकपुरी में कटा हुआ सर और हाथ मिले थे। ये घटना श्रद्धा की मौत के बाद हुई थी और उस केस में अभी तक ये नहीं पता चला कि वो सिर और हाथ आखिर थे तो किसके थे, क्योंकि जो सिर और हाथ का हिस्सा मिला था वो पूरी तरह से खराब हालत में थे और पुलिस अब इन दोनों ठिकानों पर, दोनों जगहों पर मिले शव के टुकड़ों की डीएनए रिपोर्ट को पुलिस मैच करवाएगी और जानने की कोशिश करेगी कि क्या ये शव के टुकड़े श्रद्धा के तो नहीं है। मैरौली त्रिलोकपुरी के बॉडी पार्ट्स का मिलान होगा आपस में, जानने के लिए कि क्या एक ही शख्स यानी श्रद्धा की ही ये डेड बॉडी पार्ट्स हैं। दिल्ली की दो जिलों की पुलिस जांच में अब साथ आई है, एक साथ मिलकर इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें, श्रद्धा के पिता ने कहा कि मुझे पुलिस आफताब के कमरे तक ले गई और आफताब ने बताया कि किस तरह से श्रद्धा की हत्याकांड को अंजाम दिया था। आपको हम सुनवाएंगे भी कि उसने कई बार मारपीट की श्रद्धा से, तो कितनी बार मारपीट, क्या श्रद्धा ने आपको कभी बताया था ये बात कि जो लगातार है वो मारपीट करता था आफताब श्रद्धा से? मुझे डायरेक्टली बात नहीं की उन्होंने कि ऐसे मारपीट करता है, वो मेरे वाइफ को बताया था और वाइफ ने फिर, मेरा बेटा है वो, उसने फिर मुझे बताया कि ऐसे मारपीट करता है। नहीं तो क्या एक बार ब्रेकअप भी हो गया था, वो घर पर आया था, वो श्रद्धा आपके घर पर आ गई थी, क्या वो वापस आया था आफताब श्रद्धा के पास माफी मांगने, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरी वाइफ भी थी तब, तब हम दोनों साथ में गए थे, मेरी सिस्टर गई थी, लेकिन उनका छोटा भाई था, उसने हमें अंदर घर पर आने ही नहीं दिया, वो बोले